हाय गाइस, मेरा नाम मनन है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आप सैमसंग j200g का अगर आप IMEI बैकअप अपने कंप्यूटर में सेव करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, इसे रीड करना चाहते हैं, इसका IMEI रीड करना चाहते हैं अगर आप, तो फिर इस वीडियो को आप लास्ट तक कर देखते रहे। दोस्तों आप यहां पर देख रहे हैं सैमसंग j200g ये मोबाइल है मेरे हाथ में और इस मोबाइल को हमें रीड करना है, इसका IMEI बैकअप जो हमें रीड करना है अपने कंप्यूटर में। इसे बूट कराने के लिए आपको बता दूं कि आपको इस मोबाइल को ऑन करना है और कुछ नहीं करना है और सिंपली डाटा केबल आपको लगा देना है। अगर आप जानना चाहते हैं कैसे इस मोबाइल को रीड किया जाता है तो फिर इस वीडियो को लास्ट तक कर देखते रहे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बोलता दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे ईएक्स मनन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप यहाँ पे मोबाइल पर अगर देख रहे हैं वीडियो तो यहाँ पे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, यहाँ पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपने अगर हमारे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है और आपने अभी तक इस बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, इस घंटे को आपने अभी तक नहीं दबाया है, तो इस घंटे को आप जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिल जाए और आप आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप मोबाइल का जो रीड इन्फो चेक करें ताकि आपको पता चल जाएगा आपका मोबाइल जो है आपके जो इस z3x बॉस के टूल से कनेक्ट हुआ है कि नहीं। और यहाँ पे आपको रीड इन्फो में आपको यहाँ पे दिखाना चाहिए IMEI, यहाँ पे आपको शो करना चाहिए, ठीक है। अगर इस तरह से आपको शो करता है तो उसके बाद जो है आप इसका जो IMEI बैकअप ले सकते हैं। तो दोस्तों IMEI का बैकअप लेने के लिए आपको यहाँ पे रीड CART जो है आपको यहाँ पे इस पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको जो ओल्ड सिक्योरिटी में यहाँ पे क्लिक करना है, उसके बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पे इसका जो IMEI बैकअप जो है आपके कंप्यूटर में सेव होने लगेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये बैकअप जो सेव होगा ये कहाँ पे सेव होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये कहाँ पर सेव होगा। तो ये सी प्रोग्राम फाइल में जहाँ पे आपका z3box इंस्टॉल है उस z3x बॉस के फोल्डर में, z3x बॉस प्रो का जो फोल्डर होगा उस फोल्डर में जो बैकअप फोल्डर होगा और उस बैकअप फोल्डर में ये फाइल जो आकर के वहाँ पे सेव होगा, ठीक है। तो इस फाइल को फिर आप वहाँ से जो है कॉपी करके या उसे मूव करके आप यहाँ पे जो है अपने किसी भी ड्राइव में ला करके सेव करके रख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है और आप किसी काम आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ। और आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब कर रखा है, आपने बेल आइकन को अभी तक प्रेस नहीं किया तो इस घंटे को आप जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आप आसानी से देख सकें। तो दोस्तों मैं आपको एक जरूरी बात ये बता दूं कि अगर आप मान के चलिए कि अब IMEI मैंने आपको दिखाया कि मोबाइल को ऑन करके हमने IMEI को जो है रीड किया, और मान के चलिए अगर आप मोबाइल किसी मोबाइल को अगर फ्लैश करना चाहते हैं सैमसंग का और फ्लैश करने के दौरान उसका IMEI नल होता है, तो उससे पहले आप जो उस मोबाइल को ऑन कर लें और उसे डाउनलोडिंग मोड पर आपको नहीं लेके जाना है और बिना डाउनलोडिंग मोड के ही उसे मोबाइल को सिर्फ आपको ऑन करके ही उसका जो है IMEI बैकअप को आप रख सकते हैं, और ताकि बाद में अगर आप फ्लैशिंग करें उस मोबाइल को और उसका अगर IMEI नल हो जाए तो आप उस बैकअप फाइल से राइट करके आप दोबारा उस मोबाइल को जो है रिपेयर कर सकते हैं, उसका IMEI रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपका मोबाइल मान के चलिए लोगों पर अटका हुआ है, तो अगर लोगों पर भी अटका हुआ है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोगों पर ही अटका हुआ रहे उस पर सिर्फ आपको डाटा केबल लगा देना है और IMEI का जो बैकअप आपको ले लेना है, उसमें भी आपका IMEI बैकअप जो है रीड हो जाएगा। और राइट कैसे करना है बैकअप को, तो मैं आपको वीडियो के लास्ट में आपको दिखा रहा हूँ थोड़ा सा कि कैसे आपको राइट करना है उस फाइल को सेलेक्ट करके।